हेलो, मैं विजय हूं और मेरे साथ है नरेंद्र एंड वी आर ग्रीन हब फेलोज। ग्रीन हब फेलोशिप में हमारा सफर सितंबर 2021 में शुरू हुआ। छोटे वीडियो फिल्म्स बनाते बनाते हमने अपने जल, जंगल और जमीन के मुद्दों को गहराई से समझा। फेलोशिप में हम नए नए लोगों से मिले, नई जगहें देखी और बहुत सी नई बातों को जाना और सीखा। अपने इंटर्नशिप के दौरान हमें उमरिया जाने का मौका मिला और यहाँ के सुंदर जंगलों ने हमारा मन मोह लिया। उमरिया में तीन इको पर्यटन स्थल हैं, झिरिया नाला, बड़ी तुम्मी और कथली नदी का उद्गम स्थल। तो जब हम उमरिया पहुंचे, सबसे पहले हम झिरिया नाला गए, जो कि घुनघुटी रेंज में रेलवे स्टेशन से करीब है। झिरिया नाला बेसिकली 0.6 हेक्टेयर एरिया है, फेंस्ड एरिया है। वहाँ पे प्रयास किया गया कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे लोग बैठ सकें। वहाँ पे आजू बाजू में पूरा टीक का प्लांटेशन है, सागवान का प्लांटेशन है वहाँ पे। यहाँ सागवान के पेड़ों के बीच बैठने पर आपको बहुत से पक्षी देखने को मिल जाएंगे। जो झिरिया वो जो नाला है वो थ्रूआउट द ईयर एक स्ट्रीम है जो लगातार बहती है, और वो एक यूनिक एक वहाँ पे एक इकोसिस्टम है, माइक्रो इकोसिस्टम है। जो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया है, गजीबो बने हुए हैं वहाँ पे, और मेन बात यह है कि वो शहडोल से बहुत करीब है, लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो अपना उमरिया वाला जो हाईवे है NH-43, उससे अराउंड 1.6 और समथिंग वो किलोमीटर है हाईवे से, तो बहुत आराम से वहाँ पे जाया जा सकता है। झिरिया नाला से थोड़ी दूरी पर ही एक पहाड़ी है जहाँ ऊपर से पूरे शहडोल का नज़ारा, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश के शानदार हाईलैंड्स और प्लेटो का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और वो पहाड़ी है बड़ी तुम्मी। सिद्ध बाबा या बड़ी तुम्मी शहडोल वन क्षेत्र के उमरिया वन मंडल के अंतर्गत एक इको पर्यटन स्थल है। मई 2017 से सूचीबद्ध ये स्थल 2019 में बनाया गया। ये इको पर्यटन विकास के तहत बनाया गया है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारें तो आपको बहुत सी बायोडायवर्सिटीज देखने को मिल जाएंगी। रविवार के दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं शहडोल अनूपपुर से। वहाँ पे कई सारे एक स्पॉट्स हैं वहाँ से, लेकिन वो जो वो जगह है वो बड़ी ही मतलब खूबसूरत है। वो हाइट पे है, वहाँ से पूरा शहडोल आपको नज़र आता है, और शहडोल के लोगों के बीच में ऑलरेडी वो बहुत पॉपुलर है। मेन बात यह है कि यहाँ के लोग, पाली के लोग और उधर आजू बाजू के जो भी जगह के लोग हैं, वो कंटिन्यू वो लोगों की नज़र में पहले से है। झिरिया नाला और बड़ी तुम्मी के अलावा जो तीसरा इको पर्यटन स्थल है वो है
अथली नदी का उद्गम जो कि चंदिया गांव में है। कहा जाता है कि कथली नदी यहीं से निकलती है और भले ही पास की दूसरी नदी सूख जाए पर ये हमेशा बनी रहती है। मैं यहाँ कहा कि साल की प्रजाति के पेड़ अधिकतम हैं और वन जीव भी यहाँ हैं, मतलब आपके जैसे सामर हो गए, चीतल हो गए, ये इनका मूवमेंट रहता है। कभी कभी यहाँ टाइगर का भी लोकेशन रहता है, टाइगर आता है। बांधव टाइगर रिजर्व जो है तो यहाँ से एरिया इसका बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ है, तो वन प्राणी यहाँ से इधर भी आ जाते हैं, इनका आना जाना रहता है। क्योंकि ये जगह बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास है इसीलिए यहाँ वन्य जीवों की गतिविधियाँ बनी रहती हैं। तो अगर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क या उमरिया जाना हो तो इन तीन जगहों में भी जरूर घूम आइएगा। क्योंकि नरेंद्र और मुझे तो उमरिया में बेहतरीन अनुभव हुए, क्या पता आपको भी यहाँ कोई नया अनुभव मिल जाए। अच्छा मोड़ है ना।